हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्सिंग क्रिकेट में। सोच मैं आपको क्रिकेट से लेकर बड़े खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियोज मिल सके। पहली बड़ी खबर करो, करे खबर निकल के आ रही है स्टीव स्मिथ के हवाले से। सबकी बड़ी खबर, स्टीव स्मिथ के मुताबिक वो जस्टिन लैंगर के हर वक्त साथ है, यानी जस्टिन लैंगर बहुत ही बेहतरीन कोच है, कहना है स्टीव स्मिथ का कि वो उसके साथ हर वक्त उसके साथ है। और स्टीव स्मिथ के मुताबिक जस्टिन लैंगर बहुत ही बेहतरीन कोचिंग करते हैं और जब भी उसको होगी तो मैं उसको हर हमेशा सपोर्ट करूंगा, ये कहना है स्टीव स्मिथ का। और दूसरी बड़ी खबर करो, करें खबर निकल के आ रही है और दूसरी बड़ी खबर गौतम गंभीर के हवाले से निकल के आ रही। गौतम गंभीर के मुताबिक जसप्रीत बुमराह को दूसरे टेस्ट में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को दूसरे टेस्ट में रेस्ट देना चाहिए, यह कहना है गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर के मुताबिक जसप्रीत बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच दूसरा जो टेस्ट मैच खेला जाएगा उसमें रेस्ट देना चाहिए और किसी और गेंदबाज को मौका देना चाहिए, यह कहना है गौतम गंभीर का। और तीसरी बड़ी खबर करो, करें खबर निकल के आ रही विजय हजारी ट्रॉफी के हवाले से। की बड़ी खबर, विजय हजारी ट्रॉफी में बड़ौदा ने करुणाल पांड्या को कप्तान बना लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है और करुणाल पांड्या अब बड़ौदा की कप्तानी करते हुए दिखेंगे 20 फरवरी से होने वाली विजय हजारी ट्रॉफी में, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और चौथी बड़ी खबर करो, करें खबर निकल के आ रही वसीम जाफर के हवाले से। वक्त की बड़ी खबर, वसीम जाफर के मुताबिक कुलदीप यादव को जो इससे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कुलदीप यादव को चाहिए कि वो और ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेले और वो इंडियन टीम में और अच्छी तरह से खेले और वो अपनी जो इंडियन टीम है उसमें जगह बना ले। उनके मुताबिक वसीम जाफर के मुताबिक कुलदीप यादव को अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, ना उनको मायूस नहीं होना चाहिए, जो उनको पहले टेस्ट मैच में शामिल नहीं किया गया उसको मायूस नहीं होना चाहिए और उसको और अच्छा क्रिकेट खेलना होगा और वो तब वो इंडियन टीम में शामिल हो जाएगा, ये कहना है वसीम जाफर का। और पांचवी बड़ी खबर करो, करें खबर निकल के आ रही जो रूट के हवाले से। वक्त की बड़ी खबर, जो रूट ने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करते हुए अजिंक्य रहाणे का कैच सिर्फ एक ही हाथ से लिया, यानी बहुत ही बेहतरीन कैचिंग जो रूट ने की, पहले बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक मारा, उसके बाद बेहतरीन अपने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे अजिंक्य रहाणे की का कैच पकड़ के उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्थिति में इंग्लैंड को लाया है। और जो रूट ने सिर्फ एक ही हाथ से ये कैच लिया है और बहुत ही बेहतरीन कैच उन्होंने लिया है अजिंक्य रहाणे का, और उस इस वजह से उनके जो अजिंक्य रहाणे हैं वो आउट हो गए। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू।